अब देखो यहाँ पर क्या है, द्विघात सूत्र आपको पता है कि द्विघात सूत्र आपको पहले पढ़ाया गया है, ठीक है, ऑलरेडी आपको पढ़ाया जा चुका है। इसका एक और नाम होता है, कौन मुझे बताएगा इसका एक और नाम? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने लिया था, क्लास स्टार्ट होने के पहले। इस फॉर्मूला का कुछ और नाम है क्या, जिन्होंने ये फॉर्मूला दी? फॉर्मूला, हाँ, सीधाचार्य फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका एक और नाम है सीधाचार्य फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, क्योंकि सिद्धाचार्य एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, उन्होंने ही दिया था ये फॉर्मूला, ठीक है, सूत्र पहली बार, तो सिद्धाचार्य फॉर्मूला के नाम से इसको जानते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। होता क्या है बेसिकली, इसका यूज कहाँ पर करते हैं? कोई आपसे जनरली पूछ ले कि व्हाट इज द यूज, इसका यूज कहाँ है, तो आप कहोगे सर कोई भी द्विघात समीकरण का क्या कहते हैं, मूल निकालने के लिए, ठीक है, रूट्स निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं, रूट्स निकालने के लिए, मूल निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। तो मूल निकालने के लिए तो हमारे पास मध्य परिभाजन विधि भी है, हाँ उसको भी यूज करते हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं काम आता है, कई बार ऐसा भी होता है कि हम मध्य परिभाजन नहीं कर पाते हैं, तो इन दैट केस ये वाला फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड होता है, ये हमेशा लग जाएगा, लेकिन मध्य परिभाजन विधि की एक लिमिटेशन होती है, ठीक है। तो हर समय आप नहीं कर सकते हो, अभी तक जितने क्वेश्चन दिए गए थे उसमें आपको मध्य परिभाजन जो कर सकते थे वही क्वेश्चन था, लेकिन हमेशा वो नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चन लिखूं, क्वेश्चन के पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था आपका, अगर कोई मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में द्विघात समीकरण लिखा गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, तो एक्स का जो वैल्यू होता है, जो मूल आपको पता है एक्स का वैल्यू ही निकालते हैं, उसी को हम लोग मूल कहते हैं, या फिर इसका हल कहे, तो हल मूल या रूट सारा चीज सेम है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए, ठीक है। तो माइनस बी और डी का वैल्यू आपको पता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वही चीज यहाँ पर डाल दिया गया, तो इसी को कहते हैं सिद्धाचार्य का नियम। इसी पे कुछ क्वेश्चन जो हमने नहीं किए थे जो टाइप के, वो टाइप के कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट थ्री प्लस फोर बराबर जीरो, ठीक है। तो यहां से अगर आपको बोला जाता है कि पहले, तो यहाँ पर देखो पहले बोला गया है कि मूलों की प्रकृति बताइए, मूल कैसे होंगे। अब मूलों की प्रकृति बता करने से काम नहीं चलेगा, आप अगर उसके मूल एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आप कह सकते हो ना मूल अवास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे तब तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर वास्तविक है मूल, इन दैट केस आप मूल भी बताइए, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? तो डी निकालिए, मूलों की प्रकृति बताने के लिए पहले डी निकाल दीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, समीकरण तीन एक्स स्क्वायर, एक सेकंड, पहले समीकरण लिख रहा हूँ, तीन एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। यहां से आप ए का वैल्यू लिखिएगा, ए का वैल्यू आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी का वैल्यू आपका माइनस का फोर रूट थ्री बनेगा यहाँ पर, और सी का वैल्यू आपका यहाँ पर चार आएगा, ए बी सी। अब यहाँ पर देखो मध्य परिभाजन करके हो सकता है कि इसको सॉल्व नहीं कर पाओ आप, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पर डी निकालते हैं, डी निकालते हैं, तो डी का वैल्यू कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी स्क्वायर कहने का मतलब माइनस फोर रूट थ्री का होल स्क्वायर, ध्यान से देखते चलिएगा कैलकुलेशन, माइनस फोर रूट थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस फोर इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू आपका तीन है, ए का वैल्यू आपका थ्री है, मैंने थ्री लिख दिया, सी का वैल्यू कितना है आपका फोर है, सी का वैल्यू आपका फोर है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखो माइनस स्क्वायर होने का मतलब क्या, दो बार गुना करना, तो माइनस से माइनस गुना होगा तब तो प्लस बन जाएगा, आपको पता है माइनस फोर रूट थ्री को जब माइनस फोर रूट थ्री से गुना करेंगे तो माइनस है, तो माइनस पहले काटेंगे, ठीक है, चार को चार से गुना करेंगे, चार चौके सोलह, और रूट तीन को रूट तीन से गुना करेंगे, गुना में तीन, सोलह तीन कितना मिल रहा है, अड़तालीस मिल रहा है। क्या ये सभी को समझ में आ रहा है कि माइनस फोर रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो ये वाला सोल्व होकर के अड़तालीस आ जाएगा, इतना क्लियर है? यस, माइनस का साइन था, यहाँ माइनस लगाया, चार तीन बारह, बारह चौके अड़तालीस, तो इसको सॉल्व करने पर भी अड़तालीस मिल रहा है। मुझे बताओ डी का वैल्यू कितना आ गया, डिस्क्रिमिनेंट यानी विक्तकर का वैल्यू जीरो आ गया। अब विक्तकर का वैल्यू अगर जीरो आ गया तो इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे या नहीं होंगे, मूलों की प्रकृति बताइए, वास्तविक और बराबर, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर मूल जो होंगे, आप ये लिख देना कि, अच्छा यहाँ पर ये भी बता देना, ये लिखना जरूर अपने एग्जाम में, डी का वैल्यू जीरो आया इसलिए हम कहेंगे सर मूल जो होंगे वो वास्तविक और बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आएगा तो एक दो नंबर में नहीं आएगा, चार नंबर में आएगा या तीन नंबर में आएगा, वास्तविक तथा बराबर होंगे, ठीक है।
अब इसके लिए एक फॉर्मूला आपको बता दिया जाता है एग्जाम में, फॉर्मूला की कोई नीड है नहीं आपको, ठीक है, सिंपली आप जो सिद्धाचार्य फॉर्मूला था उसी को यूज करिए, वही से आंसर आ जाएगा, ठीक है, स्पेशल फॉर्मूला याद करने की कोई नीड नहीं है। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का बी प्लस माइनस वर्गमूल डी बाई टू ए। यहाँ से आप बोलोगे सर वैल्यू पुट करते चलते हैं, तो माइनस का बी कितना हो जाएगा, माइनस का साइन लगा दिया, बी का वैल्यू आपका दिख जाए माइनस का 4√3। यहाँ पर देखो बी का वैल्यू माइनस 4√3 है, ठीक है, तो बी का वैल्यू आप बोलोगे सर बी खुद में नेगेटिव है, तो माइनस साइन भी था और एक और माइनस आ गया, माइनस माइनस आ गया, प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू कितना है, जीरो है, तो रूट 0 लगा दिया बाई 2 इंटू ए का वैल्यू 3। अब मुझे बताओ जीरो रूट जीरो का वैल्यू कितना आएगा, वर्गमूल जीरो का वैल्यू कितना आएगा, जीरो ही रहेगा, वर्गमूल जीरो कहने का मतलब जीरो बोलोगे, तो माइनस है तो माइनस कट गया पहले, आप बोलो सर यहाँ पर आ गया 4√3 और प्लस माइनस जीरो आ गया, रूट जीरो का वैल्यू जीरो रहेगा बाई 2 × 3 यानी 2 × 3 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हर बार क्या करते थे, दो केस बनाते थे, एक प्लस का साइन लेकर एक माइनस का साइन लेकर, लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस की नीड है क्या, हमें प्लस और माइनस की जरूरत है क्या? नो सर, कोई जरूरत नहीं। देखो क्योंकि आपको पता है 5 में आप 0 जोड़िए तो भी 5 मिलेगा, 5 में 0 घटाइए तो भी 5 ही मिलेगा, तो 5 प्लस माइनस अगर 0 लिखा जाएगा तो आप बोलेंगे सर ये 5 ही मिलने वाला है, प्लस करो चाहे माइनस करो, तो आप यहाँ पर दो केस बनाने की कोई नीड नहीं है, प्लस माइनस लेने की कोई जरूरत है नहीं, आप यहाँ पर बोलोगे सीधे एक्स का जो वैल्यू आएगा सर बराबर जो मूल आ रहे हैं वो 4√3/6 आ रहा है, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आप इसको काटिएगा 2 से 2 × 4 और 2 × 3 = 6, तो आपका आंसर आ रहा है 2√6/3, ये आपका आंसर आ जाएगा, 2√6 आ रहा है, 4√3 था ना, रूट सिक्स कैसे लिख दिया मैंने, थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, इसको आप सही कर लो, तो 2 से काटिए आप इसको, 2 से काटोगे 2 × 4 2 × 3 = 6, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 2√3/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर, समझ में आया? तो दोनों ही, अच्छा यहाँ पर समझिएगा, दो मूल आपने बोला, दोनों ही मूल बराबर, तो आप इस तरीके से लिख दीजिएगा आंसर, जब लिखोगे ना मूल तो आप लिखिएगा हमारे जो मूल आएंगे 2√3/3 तथा 2√3/3 ऐसे लिख दीजिएगा, ये दो हमारे मूल हो गए, दोनों ही बराबर हैं आपस में, ठीक है, क्योंकि प्लस का साइन लेंगे तो भी यही आएगा, माइनस का साइन लेंगे तो भी यही आएगा, और यही रीजन है, यहाँ से समझ भी सकते हो कि डी बराबर जीरो होने पर बराबर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस के बाद जीरो आ जाएगा, प्लस माइनस के बाद जीरो आएगा तो प्लस लेने पर भी वही आएगा, माइनस लेने पर भी वही आएगा, तो यही रीजन होता है कि जब भी डी जीरो हो जाता है तो हमारा बराबर मूल आता है, ठीक है, समझ में आया ये चीज, बताओ, ये एक सेकंड शायद बहुत छोटा हो गया, अभी एक पेज पर नहीं आ पा रहा है सॉल्यूशन, तो इसको दो पार्ट में लीजिए, एक पार्ट तो ये हो गया आपका और सेकंड पार्ट हमारा ये हो गया, क्लियर है? तो आंसर देखो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आंसर आपका हमेशा 5, 7, 8 ही है, ठीक है, मूल वास्तविक ही है, ठीक है, वास्तविक मूल है और बराबर मूल है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 2√3/√3 वाला भी आंसर आ सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा 2, 3, 4, 5 ऐसे ही आंसर आते हैं, नहीं, ठीक है, ऐसे आंसर भी आ सकते हैं, ठीक। चलो अगला जो क्वेश्चन है आपका वो बोला गया है कि इस वाले में मुझे बताओ द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और उसके बाद इस द्विघात सूत्र का यूज करके मूल भी ज्ञात करिए, ठीक है, चलो इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, आप लोग ही बताइए, 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, a का वैल्यू आपको पता है 2 है, b का वैल्यू आपको पता है माइनस का 6 है, c का वैल्यू पता है आपको 3, तो d का वैल्यू निकालेंगे, d का वैल्यू हो जाएगा b² - 4ac, इसके आगे मैं नहीं कर रहा, इसके आगे आप लोग करिए, कितना आ रहा है d, d = 12 सर, वास्तविक और भिन्न होंगे, d का वैल्यू 12 आएगा तो डेफिनेटली पॉजिटिव आ जाएगा, तो वास्तविक और भिन्न होंगे, और वास्तविक और भिन्न अगर आपने बोल दिया तो दो मूल निकाल करके बताइए, दोनों ही वास्तविक और भिन्न मूल, इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखिएगा, मध्य परिभाजन विधि द्वारा नहीं हो पाएगा, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट से ये सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट से सारे क्वेश्चन नहीं होते, अभी तक जो क्वेश्चन दिया था वो सारे मिडिल टर्म से स्प्लिट होने वाला दिया था, ठीक है,
देखो ये भी मैं आपको बताता हूँ, ऐसे आपके बहुत ज्यादा काम तो नहीं आएगा, लेकिन डी का जब निकालोगे ना, अगर डी पूर्ण वर्ग आएगा तो अगर डी मान लो 36 आता है, 25 आता है, 49 आता है, 4 आता है, 16 आता है, ऐसे कुछ नंबर आते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, तो मध्य पद विभाजन हो जाएगा। अगर पूर्ण वर्ग नहीं आता, अगर कोई जैसे आपने बोला कि 12 आ रहा है, ठीक है, अगर 12 आ रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आ रहा है, पूर्ण वर्ग नहीं आ रहा है, तो मध्य पद विभाजन से नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, बस यही ट्रिक है, ट्रिक क्या है, कंसेप्ट है सिंपल सा। तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है, आप बोलोगे सर डी का जो वैल्यू आ रहा है इस पर और ऐसे करने पर -6 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ मैंने बोला सर -6 का स्क्वायर किया, -4 इंटू ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 3, इसको सॉल्व किया, -6 का स्क्वायर करोगे, -6 इंटू -6 तो 6 × 6 36 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो मिला आपका 36, माइनस 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, 36 में से 24 घटाएंगे आपका 12 आ जाएगा। तो डी का जो वैल्यू आया, जो डिस्क्रिमिनेंट आपका दिख रहा है, डिस्क्रिमिनेंट आपका आ गया 12। अब 12 क्या दिख रहा है, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है ना, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो, यहाँ पर आप लिख दीजिए, क्योंकि डी का वैल्यू जो है सर 12 आ रहा है, मतलब, या फिर ये भी मत लिखो, 12 भी लिखने कोई नीड है नहीं आपको, सर डी का वैल्यू कैसा आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, अतः मूल कैसे होंगे, आपने ये बताया था मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, पॉजिटिव के केस में वास्तविक और भिन्न होंगे। अच्छा, मूल निकाला क्या किसी ने अभी तक, ये निकाला, यस सर, कितना आ रहा है, √3/2 3 − √3/2 नहीं, पहले फिर से बोलो, ये मैं नहीं सुन पाया, फिर से बताओ, 3 + √3/2 और इसके बाद एक बार माइनस का लेना है, ठीक है, यहाँ पर 3 − √3/2 यही आ रहा है, 3 + √3/2 3 − √3/2 देखो ऐसे भी आंसर आपका अलग आ रहा है, बताइए आपका क्या आ रहा है सर, 1 + √2 1 − √12 नीचे में कुछ नहीं है, 1 + √12 नो सर, 1 + √2 और सर 1 + √12 12, ठीक है, और 1 − √12 ऐसा आ रहा है क्या, यस सर, ठीक है, अब देखते हैं कौन सा आंसर सही है, मुझे जहां तक लग रहा है कि ऊपर वाला सही लग रहा है, देखते हैं, ठीक है, हो सकता है नीचे सही, तो मूल वास्तविक और भिन्न, तो मूल वास्तविक और भिन्न अगर कर रहे हैं तो हम कहेंगे सर यहाँ पर से निकाल भी दीजिए फॉर्मूला से, एक्स का वैल्यू कितना होता है, माइनस का भी +√d/2 है, ठीक है, बाई टू है, डी वैल्यू डालिए बस इसमें, कैलकुलेशन ध्यान से करना है, तो ए बी सी जहाँ लिखा हुआ था वो दिखाता हूँ मैं आपको, तो बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू -6 है, देखो यहाँ पर माइनस का साइन तो पहले से था और बी भी आपका नेगेटिव है, तो बी के जगह पर -6 एक और डाल देंगे, ठीक है, तो -6 आ गया, प्लस माइनस लगाया, वर्गमूल डी, डी का वैल्यू कितना है आपका, डी का वैल्यू आपका आ गया है 12, ठीक है, यहाँ पर 12 लिख दिया मैंने, ठीक है, 12 बाई 2a, तो 2a कहने का मतलब 2 × 2 मैंने लिख दिया 2 × 2, चलिए यहाँ तक किसी का भी कोई डाउट है क्या, बस मैंने वैल्यू पुट किया है और कुछ नहीं किया, बी ए और डी का वैल्यू पुट किया, क्लियर, सभी लोग बताओ एन मतलब क्या, समझ में आया कि नहीं आया, वाई है ना, ठीक है, चलो अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई बड़ा आराम से, आपको पता है ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, बिल्कुल कैंसिल होगा, यहाँ 6 बचेगा, प्लस माइनस साइन रहेगा, बिल्कुल रहेगा, रूट 12 को मैं अभी नहीं करूंगा, करेंगे चेंज, अभी इसको रूट 12 रहने दो, ठीक है, एक साथ बहुत सारी चीजें मत करिए, भाई 2 × 2 लिखा हुआ है, 2 × 2 को 4 लिख दीजिए, 4 लिख दिया, ठीक है, वर्गमूल 12 जो लिखा हुआ है, इस वर्गमूल 12 को आप फैक्टराइज करके कुछ बाहर निकालने का ट्राई करो, ठीक है, तो वर्गमूल 12 को आप सोच सकते हो सर वर्गमूल 12 क्या है, 4 × 3, ठीक है, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 ऐसा लिख सकते हैं वर्गमूल 12 को, और वर्गमूल 12 हमारा क्या है, ये 2 2 बार है, तो वर्गमूल का कंसेप्ट आपको पता है सर, कोई संख्या अगर 2 बार गुना है तो एक बार बाहर आ जाता है, ये 2√3 है, कुछ नहीं है, ये 2√3 है, तो वर्गमूल 12 लिखने का मतलब और कुछ नहीं है, 2√3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर इसको अगले स्टेप में आप चेंज करके लिखो 6 + −√3, ठीक है, बाई 4, इतना क्लियर सभी को, इतना क्लियर, मैं किस स्टेप आपसे पूछ रहा हूँ ताकि ये सारी चीज गलती नहीं हो एग्जाम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि, ठीक है, अब यहां से देखिए
आप अगर मुझे कुछ नहीं दिखता ना, समझना कि मैं कैसे सोच रहा हूँ एग्जाम में, ठीक है। अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आएगा मैं कैसे सोचूंगा, एज ए क्लास टेंथ का स्टूडेंट, ठीक है, तो मैं सोचूंगा कि इसका आंसर कर देते हैं सर, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे आंसर ये। लेकिन आंसर मत करिए, आपको ऊपर में कुछ कॉमन दिख रहा है, ठीक है, आप 6 और 2 में कुछ कॉमन ले सकते हो और वो नीचे में 4 से कट जाएगा, ठीक है। तो अभी आप आंसर करने के पहले कुछ कॉमन निकालिए। अगर यहाँ पर 5 रहता ना, समझो इसको, अगर यहाँ पर है नहीं, मैं बस लिख के बता रहा हूँ कि अगर 5 रहता तो मैं इसको आंसर कर देता, कुछ नहीं करता, बोलता ये आंसर है मेरा फाइनल आंसर। लेकिन यहाँ पर 5 तो है नहीं नीचे में, नीचे में 4 है, तो आपको दिखेगा ऊपर में से 2 कॉमन आ रहा है, वो 2 नीचे से कट जाएगा, इतना हमें दिख रहा है, ठीक है। तो आपको ऊपर से 2 कॉमन लीजिए, तो 6 और 2 √3 में से, इसको समझिए, मैं ऐसा तो लिख ही सकता हूं ना, 6 + 2 √3, इस वाले को इसको लिख सकते हैं आप 2 × 3 + 2 × √3, तो आपको दिख रहा था 2 यहां भी है 2 यहां भी है, कॉमन ले लीजिए, इतना लिखने की कोई नीड है नहीं, बस समझाने के लिए बोल रहा था। 2 को कॉमन लिया तो 2 + 6 + −, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया आपने तो √3 बच जाएगा, ठीक है, √3 बच जाएगा, और नीचे में 4 है, ठीक है। अब 2 से काट दीजिए, 2 × 2 = 4, ठीक है, 2 × 2 = 4, तो आपका आ जाएगा 3 + −√3 बाई, अच्छा इसको मैं कर देता हूँ, 3 + −√3 / 2, कुछ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ 2 केस बना लीजिए, 2 आंसर आपको दिख ही रहा है, यहाँ पर x का वैल्यू है, तो आप बोलोगे अतः x का जो वैल्यू आएगा, एक बार प्लस का साइन ले लेते हैं, तो 3 + √3, अब 3 और √3 नहीं ऐड होगा, ठीक है, आपको पता है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ऐड नहीं होगा, 3 + √3 / 2, और एक और सॉल्यूशन ले लीजिए माइनस साइन के साथ, 3 − √3 / 2, ये हमारा आंसर आएगा। समझ में आया, सभी लोग रिप्लाई करके मुझे बताओ यस या फिर कोई डाउट है तो बिल्कुल अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हो। दो कंसेप्ट तो बहुत ज्यादा कुछ कठिन नहीं था, बस यहाँ पर कैलकुलेशन ही है जो इंपॉर्टेंट बनाता है इस क्वेश्चन को। तो आपको ये क्या समझ में आ रहा है कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जहां पर आंसर 3 + √3 / 2, 3 − √3 / 2, ये वास्तविक है कि नहीं है? वास्तविक है, ऐसा मत बोल देना अवास्तविक है, वास्तविक मूल है, क्योंकि डी हमारा 0 आया था, 0 से बड़ा आया था, ठीक है। चलो, तो ये पूरा सॉल्यूशन तो एक पेज पर नहीं आ पाएगा, लेकिन पहले तो आप इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लो, जितना अभी दिख रहा है। यहां तक हमने क्या किया, डी का वैल्यू निकाला, डी का वैल्यू निकाल कर एक्स का वैल्यू का फॉर्मूला लगाया, उसके बाद बाकी का सॉल्यूशन यहां पर आपका दिख जाएगा, ठीक है। तो 2 पार्ट में इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। चलो अभी इतना क्लियर तो मुझे बताओ, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, कर लोगे, पोल क्वेश्चन पूछूं आपसे? चलो, तो पोल में जो क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं लाया हूँ कि आपका डी कुछ 3 + √3 / 2 आए, हाँ सिंपल से क्वेश्चन है, सीधे सीधाचारे फॉर्मूला यूज करिए और उसका आंसर आप कर सकते हो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको दिख रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करवा रखा है, तो बस आप ध्यान से डी निकालिए और मूल बताइए सीधाचार्य फॉर्मूला को यूज करके। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन ऐसा भी दे रखा है ना जो काम का नहीं है, मतलब दे रखा है तो भी आप कोई यूज नहीं करोगे, नहीं भी देता तो भी हमारे कोई मतलब का नहीं। देखो बोला गया है इसका मूल वास्तविक तथा भिन्न है, नहीं बताएगा तो भी मुझे पता चल जाएगा, ठीक है, नहीं भी बताएगा तो भी मुझे पता चल जाएगा कि मूल वास्तविक है या नहीं है। यहाँ पर बोल दिया वास्तविक तथा भिन्न है तो मूल ज्ञात करिए, x² + 7x + 12, इसका मूल बताइए। इस क्वेश्चन के लिए हिंट है आपके लिए, इसको 2 तरीके से कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिट से भी कर सकते हो, MTS मिडिल टर्म स्प्लिट, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी यूज करके कर सकते हो, सीधाचार्य फॉर्मूला, दोनों ही से हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि देखो इसका डी जब निकालोगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या आएगा डेफिनेटली, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या आएगा तो डेफिनेटली वो मिडिल टर्म स्प्लिट से भी कर सकते हैं। तो अभी एक आंसर आया है जो कि सही है, 2 आंसर आ चुका है, बस आपका ड्यूटी क्या है कि आप क्वेश्चन को लिखिए अपने कॉपी पर और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, बैठे मत रहिएगा।
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0, आपसे पूछा जा रहा है x का वैल्यू, ठीक है। बेटर होगा कि मिडिल टर्म स्प्लिट इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लो, मिडिल टर्म स्प्लिट तो आप सीख ही चुके हो पहले भी, क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आप सभी के आंसर आ रहे हैं, टोटल 5 आंसर अभी तक आ चुका है, 6 आंसर आ चुका है और 6 में 6 सही, ठीक है। चलो इसमें मैं टाइमर चला देता हूँ, टोटल मैं अभी भी 2 मिनट और देता हूँ इसको, तो आराम से करो। तो अभी तक 9 आंसर आए हैं और अच्छी बात है कि 9 में 9 सही, अभी एक आंसर गलत हुआ है, ठीक है। 10 आंसर आए हैं, 10 में 9 सही। लगभग 1.5 मिनट का समय और है अभी, इवन आपको अगर लगता है कि टाइम और चाहिए बता देना, अगर आपको लगता है टाइम और चाहिए बताइएगा, ऐसा नहीं कि पोल एंड होती, ये टाइम एंड होने के साथ पोल एंड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, टाइम तो बढ़ा दूंगा लेकिन अगर आप एक बार आंसर गलत कर दोगे फिर चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। टोटल अभी तक 15 आंसर आए हैं, 15 में 13 सही, 2 आंसर गलत हुआ है, 1 मिनट और है, क्लास में 30 बच्चे हो, 15 आंसर आए हैं, अभी आधे बच्चों का आंसर। बाकी सभी लोग कीजिए, लास्ट 40 सेकंड के आसपास का समय, मतलब इतना टाइम में ट्राई करो, अगर नहीं होता तो टाइम तो बढ़ा दूंगा। 19 आंसर आ चुका है ऐसे अभी तक, अभी 10 बच्चे और हो क्लास में, 20 आंसर आ चुका है, ठीक है। लगभग 20 सेकंड और है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आपने अगर कर लिया है जाइए जाकर वोट कर दीजिए, अब बैठे मत रहिए, किसी वक्त पोल एंड हो जाएगा। लास्ट 10 सेकंड, टाइम और चाहिए क्या किसी को? अगर टाइम चाहिए तो माइक ऑन करके बताओ, किसी को और टाइम चाहिए? नहीं, तो 10 सेकंड में इसको एंड कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में एंड करेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे। अभी मुझे क्लास में 6 बच्चे दिख रहे हो जिनका आंसर नहीं आया है, आंसर कर दो, जो भी आपको लगता है ना वो आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे आसान क्वेश्चन है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड, इसको आप किसी मेथड से आप कर सकते हो। क्वेश्चन में लिखा गया है एक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर बता रखा है कि मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, नहीं भी बताता तो हम d से निकाल लेते हैं, d का वैल्यू निकालेंगे, a का वैल्यू आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देंगे, b का वैल्यू x का गुणांक जो कि 7 दिख रहा है यहाँ पर 7 लिख देंगे, c का वैल्यू कॉन्स्टेंट यानी अचर वाला पद यहाँ पर 12 लिख देंगे, किसी के आगे माइनस का साइन नहीं था, माइनस नहीं आया हमारा, तो यहां से बोलेंगे d का वैल्यू निकालिए, d का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कहने का मतलब 7 का स्क्वायर जो कि आपको दिखेगा 49, चलो यहां पर लिख लो आप 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और c का वैल्यू आपका 12 यहां लिख दिया, सॉल्व करिएगा, 7 का स्क्वायर 49 मिलेगा, 12 चौके 48 मिलेगा, ठीक है, 49 में से 48 हटाएंगे 1 आएगा जो कि देखो पूर्ण वर्ग है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, तो कहेंगे सर ये मिडिल टर्म से भी सॉल्व हो जाता अगर हम करते तो, लेकिन नहीं कर रहे, इसको करते हैं, डी का वैल्यू 1 आया, 1 कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, मतलब डी जो है 0 से बड़ा है, और डी 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और भिन्न होगा, वो दिया भी हुआ था। अब एक्स का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से फार्मूला लगाइए, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, माइनस का भी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, 2 इंटू ए वैल्यू पुट करते जाइए आंसर आ जाएगा आपका। माइनस का बी, माइनस का बी कहने का मतलब माइनस का 7, बी का वैल्यू आपका 7 है यहाँ पर, ठीक है, प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू आपका 1 है,
बाई टू ए, टू इंटू ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू भी वन ही है तो वन है यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस का सेवन प्लस माइनस रूट वन का वैल्यू कितना होता है, वन, बताओ रूट वन का वैल्यू वन ही होगा, आपको पता सर रूट वन इंटू वन है वो, तो एक बार बाहर आ जाएगा एक, तो वर्गमूल वन कहने का मतलब वर्गमूल वन, और नीचे में वन तो है टू है, ठीक है, टू इंटू वन अपर टू आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको आप दो केस बनाकर सॉल्व कर सकते हो, केस नंबर वन आप ले लो जब पॉजिटिव साइन लिया, जब प्लस का साइन लिया तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा माइनस सेवन, ये प्लस का साइन लिया तो प्लस का वन बाई टू आ जाएगा। केस टू आप बना लोगे जब माइनस का साइन लेंगे, ठीक है, माइनस का साइन लेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का सेवन माइनस वन बाई टू, दोनों को सॉल्व कर दीजिए, दोनों से दो आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका आएगा एक्स का वैल्यू एक माइनस एक प्लस, एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो घटाओ करेगी, सात में से घटाओगे छह आ जाएगा, साइन बड़े नंबर का आएगा तो माइनस का छह बाई दो, माइनस छह बाई दो कहने का मतलब दो तीन छह, ठीक है, तो माइनस का तीन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, एक्स का वैल्यू दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है तो जोड़ करके आंसर आएगा, सात में एक जोड़ेंगे आठ आएगा, लेकिन चिन्ह अभी भी बड़े वाले नंबर का आएगा, ऐसा मत बोलना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं वो जोड़ घटाओ में नहीं होता, गुना में होता है, तो कहेंगे जोड़ घटाओ में बड़े वाले नंबर का साइन आएगा, माइनस आठ बटा दो आएगा, ठीक है, सात के आगे जो साइन था उसका साइन लगाया, दो चौके आठ, तो कहेंगे सर माइनस का चार, तो एक मूल हमें मिला माइनस का तीन, एक मूल मुझे मिला माइनस का चार, यही दोनों मूल है हमारे जीरोज, ठीक है। तो आपको सर माइनस तीन और माइनस का चार, तो माइनस तीन और माइनस चार तो मुझे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना, तो जिनका गलत हुआ उनको समझ में आया। चलो अभी आपको क्या करना है, जिनका सही था वो तो वाई लिखेंगे ही लिखेंगे, जिनको समझ में आ गया वो भी वाई लिखेंगे, जिनका गलत हो गया था लेकिन समझ में आ गया वो बच्चे भी वाई लिख के बताइए। अगर किसी का डाउट है तो डी लिख सकते हो, एन लिख सकते हो, माइक ऑन करके पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं।